नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में 15 राज्यों तक ओमिक्रॉन की दस्तक, 230 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। केंद्र ने राज्यों को नए सिरे पाबंदी लागू करने की कही बात। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल बैठक। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्नों को लेकर नई गाइडलाइन। 50% क्षमता के साथ ही जश्नों को मंजूरी, शादी में सिर्फ 200 लोगों को अनुमति। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का लगातार बढ़ रहा ग्राफ। एमपी में एक दिन में 19 और छत्तीसगढ़ में 34 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी, बेटी भी कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर सियासत तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर पद छोड़े। आदित्य ठाकरे का पलटवार, मुख्यमंत्री एकदम बढ़िया। हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए सत्र हुआ खत्म। लखीमपुर कांड और सांसदों को निलंबन की रही गुंज। मध्य प्रदेश में कानूनी पेंच में उलझ सकता है पंचायत चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार। तय समय सीमा के बाद जारी नहीं हुई अधिसूचना। चुनाव आयोग ने सरकार को भेजा रिमाइंडर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुंजा बिजली बिलों और खाद की कमी का मुद्दा। विपक्षी विधायकों ने किया वॉकआउट। सरकार ने कहा कहीं कोई कमी नहीं। यूरोपीय मिसाइल निर्माता एमबीडीए को महंगी पड़ी राइफल विमान। सौदे के तहत ऑफसेट दायित्व को पूरा करने में देरी। रक्षा मंत्रालय ने लगाया 10 लाख यूरो से कम का जुर्माना। भारत ने ओडिशा तट के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने की उद्धव ठाकरे से पद छोड़ने की मांग। कहा स्वस्थ होने तक अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दे। आदित्य ठाकरे ने पिता को बताया स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हालचाल जाना। उद्धव सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शिवसेना नेता विनायक राउत ने प्रधानमंत्री को बताया कि 61 वर्षीय ठाकरे की सेहत में अच्छा सुधार है, वह महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ। सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक देना कब शुरू किया जाएगा। कांग्रेस का भाजपा कई नेताओं तथा उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों पर बड़ा आरोप। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदी। जमीन की यह लूट साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बुधवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुई। कंगना को उस पोस्ट को लेकर यहां उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होना था, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। मस्कट में पिछली बार हुए टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रहे थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ। थाईलैंड ने भारतीय यात्रियों के लिए देश में प्रवेश के नियमों में किया बदलाव। दिल्ली में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 125 नए मामले सामने आए। संक्रमण से कोई मौत नहीं। संक्रमण दर 0.20% रही। पश्चिम बंगाल में स्कूल में फूटा कोरोना बम। कल्याणी में 29 स्कूली छात्र कोरोना वायरस संक्रमित। अन्य शिक्षकों और छात्रों की भी जांच की जा रही है। बंगाल के हल्दिया में रिफाइनरी आग की जांच करेगी उच्च स्तरीय IOC टीम। कल लगी आग में 3 लोगों की हुई थी मौत, 44 हुए थे घायल। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।